हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ उपस्थित हैं। आज की क्लास हमारा सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी। सिंप्लीफिकेशन में हम बी बॉड मास का प्रयोग करते हुए कुछ क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करेंगे और उनको शार्ट तरीके से या कैसे हम बहुत तेज तरीके से जल्दी से हल करके उनके मान हम परीक्षाओं में प्राप्त करके अपने नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो आइए सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं और समझते हैं कि बी बॉड मास क्या होता है। बी बॉड मास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्रत्येक अक्षर का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वी है, वी बॉड मास का वी है वेनिकुलम बोलते हैं इसको, वेनिकुलम, यार इसको कहते हैं हम बार। क्या कहते हैं? इसका बार, इसको कहते हैं बार। इसका जो मार्क होता है, किसी भी नंबर के ऊपर आपने देखा होगा, किसी भी नंबर के ऊपर एक सीधी लाइन लिखी होती है, इसको हम रेखा कोष्टक के नाम से भी जानते हैं। ऐसे अगर हम आगे बात करें तो आ जाते हैं, इसमें दिया हुआ है आपका है क्या, थोड़ा सा स्याही इंक फेंक रही है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो बी आता है, बी फॉर आपका होता है ब्रैकेट, बी फॉर आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। और ब्रैकेट आपके कितने होते हैं, आते हैं, ये देखिए एक ब्रैकेट है, एक आपका ये ब्रैकेट है और आपका एक ये ब्रैकेट है, ठीक है, तीन ब्रैकेट हैं। इसको हम क्या कहते हैं, छोटा ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, छोटा ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है, या राउंड ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, मझोला कोष्टक बोलते हैं, मझला कोष्टक, इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट या कहते हैं बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये तीन कोष्टक के बारे में भी जानकारी आपको मिल गई। इसके बाद ओ का मतलब समझते हैं, ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, इसका मतलब आपका होता है, हिंदी में कह सकते हैं इसको का। ब्रैकेट का मतलब होता है हिंदी में कोष्ठक, क्या होता है दोस्तों, कोष्ठक होता है, क्या होता है, कोष्ठक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसका जो नाम है इसको कहते हैं छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, या इसका नाम क्या होता है आपका, राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं या इसको कहते हैं मझोला कोष्ठक या मझला कोष्ठक, ठीक है, इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट मतलब बिग ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक कहते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब भी आप समझ गए। अब आपको हम बताते हैं डी का मतलब, किसका मतलब बताते हैं, डी का मतलब होता है डिवाइड, डी का मतलब क्या होता है दोस्त, डिवाइड होता है, डी का मतलब होता है डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब होता है भाग, डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग, और भाग का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एम का मतलब समझने के लिए यहाँ पे, तो यम का मतलब भी समझ लेते हैं, यम के बाद ए का मतलब भी समझ लेंगे, एस का मतलब भी समझ लेंगे, ठीक है। तो यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ए का मतलब होता है एडिशन, क्या होता है, एडिशन, ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, क्या होता है, सबट्रैक्शन, ओके। अगर संकेत के रूप में बात करें तो इसका मतलब होता है कोष्ठक, एडिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डिवाइड, और सॉरी एडिशन का मतलब होता है सम, योग बोलते हैं, और सबट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस, और माइनस का चिन्ह ये होता है। दोस्तों बात ये है, ये जो लिखा गया बी बॉड मास, इनका ये क्रम होता है, जब भी ये किसी क्वेश्चन में लगे हुए सभी चीज़ें आ जाते हैं कि बार भी आ जाए, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, और साथ में ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सबट्रैक्शन आ जाए, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम बार वाले को, वेनिकुलम को खोलेंगे, वेनिकुलम जहाँ पे लगा होगा पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, कोष्ठक, कोष्ठक में भी सबसे पहले सबसे छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मझला कोष्ठक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर लास्ट में बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं यहीं पे, जब किसी कोष्ठक की बात की जाएगी तो उस कोष्ठक में क्या होता है, प्लस माइनस गुणे भाग के रूप में मान दिए जाते हैं, तो हम प्लस माइनस डिवाइड के पास आने से पहले यदि उस कोष्ठक में कहीं ऑफ दिया गया हो, मतलब का, हिंदी में बोले तो का, इंग्लिश में बोले तो ऑफ, इस ऑफ का मतलब भी दोस्त गुणा ही होता है, क्या होता है, गुणा ही होता है, लेकिन इस ऑफ को डिवाइड से भी पहले कहते हैं, मल्टीप्लाई से पहले तो छोड़ो, डिवाइड से भी पहले करते हैं, ओके।
डिवाइड से पहले हम ऑफ को करते हैं, उसके बाद डिवाइड आता है, डिवाइड के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा मतलब मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद जोड़ आ जाएगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, लास्ट में हम घटाना करेंगे। बात समझ पाए दोस्तों? अब आते हैं हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं, आइए जरा देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पे, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आते हैं दोस्तों। आपने जब ये पढ़ा तो वेनिकुलम पढ़ा, वी फॉर वेनिकुलम, वेनिकुलम का मतलब बोला गया था आपसे बार, ये बार का चिन्ह होता है। ठीक है, ये बार का चिन्ह, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, कोष्ठक ही होता है। तो सबसे पहले बार को ही हमें ओपन करना है, तो हम आते हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं हम बार दिखाई दे रहा है, 8-2 के ऊपर बार, इस बार का मतलब भी एक प्रकार का कोष्ठक होता है, मतलब सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, तो जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है पहले उस चीज को हम ओपन करते हैं, मतलब 8 में से 2 को माइनस करेंगे। तो आइए सारी चीज़ों को हम लिखते हुए चलते हैं, बाकी चीज़ों को ज्यों का त्यों हम लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बड़ा कोष्ठक है 6 है, प्लस है, मझला कोष्ठक है 3 है, प्लस है, 8 में से 2 जाता तो कितना बचेगा दोस्त, 6 बचेगा। अब ये हमारा बार हट जाएगा, ये 6 हो गया, इसके पास मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब हम जब आएंगे तो इसके बाद हमारा क्या आता है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट आता है, छोटा कोष्ठक आता है, उसके बाद कौन आता है, मझला आता है, उसके बाद कौन आता है, बड़ा आता है। तो दोस्त यहां पर देख लेते हैं हम, छोटा कोष्ठक को दोबारा में से 5 जाता 7, अब यहां पर देख लेना दोस्त, बड़ा कोष्ठक है 6 प्लस हो जाएगा, मझला कोष्ठक 3 प्लस 6, मझला कोष्ठक क्लोज यहां पे ये। अभी दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूं, अभी इतना करने की जरूरत है, एक लाइन में आंसर भी निकालेंगे। आ जा, यहां पर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, अब हमको मझला कोष्ठक खोलना है, तो प्लस लगा लिया और मझले कोष्ठक को देखा तो 3 + 6 कितना, 3 + 6 कितना, 9। दोस्त मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक या जो होगा वेनिकुलम या बार, हम तभी खोल पाएंगे, तभी उनको हटाते हैं नंबर के ऊपर से, जब वहां पे एक सिंगल नंबर बच जाता है। क्या बच जाता है, सिंगल नंबर बच जाएगा तो हम उनको हटा देंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 6 क्या हो जाएगा, 9, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, 100 हो जाए, एक सिंगल नंबर में आ जाएगा, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन बीच में नहीं रह जाएंगे, तब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो 3 और 6 9 हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया तो 9। अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हमने लगा लिया, अब देखते हैं यहाँ पे 7 है, अब इस ब्रैकेट को भी हमको क्या करना, ओपन करना होगा। ध्यान देना दोस्त, किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई भी मार्क नहीं होता है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता, बहुत गौर से समझ लेना। 9 और 6 को जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा कितना, 15, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15, और 15 + 7 क्या होता है, 105 होता है, 15 + 7 दोस्त क्या हो जाएगा, 105, और बड़े आराम से आप आंसर बता पाए 105। तो क्या इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, कल के डेट में ये पेपर में आ गया, तो एक लाइन में दोस्त कैसे हल करेंगे, यहाँ से चलेंगे और इसका क्या हो जाएगा, 8 में से 2 जाता कितना बचेगा दोस्त, 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6, 12 में से 5 जाता कितना बचेगा, 7 बचेगा। ध्यान देना, 6 और 3, अब मझला कोष्ठक 6 और 3 ये हो गया कितना, 9, 6 और 3 कितना, 9, 9 में 6 जोड़ दिया 15, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई ऑफ 15 7 जा 105, आया एक लाइन में आंसर आपका, आएगा बिल्कुल आएगा, बने रहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं दोस्त, हाँ एक और दोस्त क्वेश्चन आपके सामने, और अब इसको हम देखते हैं कैसे उड़ा देते हैं, लगा के भी शॉर्ट में भी देखेंगे। आइए आइए, सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये अब वेनिकुलम को बार को ओपन करेंगे। देखना दोस्त, यहाँ पे 11 - 5 छोटे कोष्टक में, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह हो भी सकता है, नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि किसी भी ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई समझा जाता है। चलिए यहाँ पे 12 हो गया, प्लस हो गया, मझला कोष्टक आपने 13 प्लस, यहाँ पे छोटा क्वेश्चन 18 माइनस, इसको 11 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6। ध्यान देना दोस्त, ये आपके टेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना 2015 का है क्वेश्चन ये। यहाँ पर देख लेना आप, छोटा क्वेश्चन को हमको क्या करना है, छोटा क्वेश्चन को तोड़ना है, तो दो छोटे क्वेश्चन, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, इसको तोड़ लेंगे तो 6, यहाँ पे हो जाता है 12 प्लस मझला क्वेश्चन, यहाँ पे 13 प्लस 18 में से 6 जाता दोस्तों कितना बचेगा, 12 बच जाएगा, कितना बच लेगा, मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक, यहाँ पे 6 हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक लगा लिया 12 प्लस, इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएंगे, 25
फाइव। अगर ये 25 हो गए दोस्त तो यहाँ पे देखेंगे जोड़ने के बाद 37 हो जा रहा है, और इनके बीच में कोई साइन नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे और 6 सते यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 6 सते 42 होता, 6 7 42 को 2 हो जाएगा, 4 कैरी 6 3 18 और 18 में 4 जोड़ लेते हैं तो कितना होता है 22, और ये आपका दोस्त हो जाता है आंसर। आइए इसे जल्दी में भी कैसे लगा पाएंगे जरा देखने की कोशिश करते हैं। 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा दोस्त तो कितना बचेगा 6 आ गया, देखो यहाँ पे 6 आ गया। अब छोटा क्वेश्चन तोड़ना है, 18 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा और यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। अब देखो ये इतना मान आपका कितना आ गया, इतना मान आपका कितना आ गया 12 आ गया, 13 जोड़ लिया तो ये कितना आ गया आपका 25 आ गया, 13 जोड़ लिया तो कितना आ गया 25 आ गया, और 25 दोस्त अब 25 में 12 जोड़ देंगे तो ये 37, और बाहर आपका 5 इंतजार कर रहा था, बाहर आपका 5 क्या है सॉरी 6 यहाँ पे, तो 11 में से 5 गया 6 इंतजार कर रहा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई 222 आ जाएगा, 200 क्या आ जाएगा 22। तो एक लाइन में हम क्वेश्चन का सलूशन बड़े आराम से कर सकते हैं एग्जाम में, वरना लगा रहे हैं तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। अभी क्या आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिनमें अभी तो प्लस माइनस डिवाइड आया ही नहीं, अभी तो क्वेश्चन तक तोड़ना मैं बता रहा हूँ आपको। आइए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइए इनको भी देख लेते हैं थोड़ा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसमें गलती होने की संभावनाएं पूरी हैं। इस वजह से देखो दोस्तों यहाँ पे हम जो देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड भी है, का है मतलब ऑफ है, प्लस है मल्टीप्लाई है, लेकिन आप अपने जाओगे वी बॉड मास पे तो वी बॉड मास कहता है कि जितना इसमें दिया गया है डिवाइड दिया गया, मल्टीप्लाई है, प्लस है और आपका ऑफ है, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा ऑफ आएगा, तो सबसे पहले मुझे का को करना है तो 48 पहले आप डिवाइड मत कर देना वरना गलत हो जाएगा, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना हुआ ना 53 से, का मतलब मल्टीप्लाई होता है और कर दो आप 3 2 जा कितना 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई हो गया 3 1 जा 3, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 जा 3 और 2 जोड़ देते हैं तो 5/3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, 5/3 क्या हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 मतलब यहाँ पे क्या है 2 है, 2 से भाग अगर 48 में, क्योंकि का के बाद हमारा अब क्या है डिवाइड है प्लस है मल्टीप्लाई है, तो हमको कौन करना होता मल्टीप्लाई करना होता डिवाइड करना होता, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया 2/3 और ये मल्टीप्लाई 5/3 क्या हो जाएगा 3। अब हमारा काम अगला क्या होता मल्टीप्लाई होता, आओ मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 24 हो गया मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर होता है 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10 और 3 3 जा यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। अब देख लो दोस्त बड़े आराम से देख लेना, अब ऐ मत करना कि इसका ऐसा मल्टीप्लाई करके जोड़े ना दोस्त, ऐसा तो गलती नहीं करेंगे हम, 24 को रहने देना, इसको होल में बदल दो तो क्या हो जाएगा 1 होल 1/9 और 24 में 1 ए जुड़ जाएगा, क्योंकि होल को हम प्लस में लिख सकते हैं 1 प्लस 1/9, तो 1 प्लस 24 में जुड़ेगा तो 25 होल 1/9 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये मत करने लगना कि 9 का 24 मल्टीप्लाई करो तो फिर बड़ा बना दिया क्वेश्चन को आपने, फिर उसको होल में चेंज करेंगे क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है नंबर देख रहे हैं ये 1 से ज़्यादा आ रहा है तो 1 होल में इसको लिख लीजिए और 24 को 1 में मल्टी, ये होल वाला जो नंबर है उसमें 24 को ऐड कर लीजिएगा, आ जाएगा 24 होल 1/9, ये रहा आपका आंसर दोस्त। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है और इसको भी बहुत ही ध्यान से करेंगे, अभी जाइएगा मत, लास्ट क्वेश्चन जो इसके बाद देखने वाले हैं इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपका दिमाग खोल देगा, आप अभी दिमाग में रॉन्ग एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, उस कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दूर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। आइए तो यहाँ पर देखते हैं क्या 72 माइनस आपका 12 होगा, डिवाइड को पहले नहीं करते, पहले क्या करते हैं छोटा को स्टक को खोलते हैं, आइए 3 और का हो जाएगा आपका 2, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब आते हैं छोटा को स्टक के पास तो 18 में से 6 जाता कितना बचता दोस्त 12 भागे यहाँ पे 4। अब आते हैं अपने बड़े कोष्टक के पास, बड़े कोष्टक को ओपन करना है दोस्त, लेकिन बड़े कोष्टक को तब तक हम ओपन नहीं कर सकते जब तक बड़े कोष्टक के अंदर के मानों को सॉल्व करके एक अकेले मान में ना बदल ले,
एकल मान में न बदलेंगे तब तक हम इसको नहीं खोल पाएंगे। आएंगे यहाँ पे 72 दिया हुआ है, -12 डिवाइड दिया हुआ है, लेकिन दोस्त डिवाइड तो कर नहीं सकते ना पहले, क्योंकि उसके पहले तो का होता है, आप आता है, इसलिए 3 का गुणा 2 में होगा। का मतलब गुणा, यहाँ पे गुणा होता है तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब बड़ा कोष्टक अभी भी लगा हुआ है, 12 डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा 4। चलिए दोस्त अब देख लेते हैं, यहाँ पे 12 है, 72 है और -12 में डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम प्लस देख रहे हैं, 12 डिवाइड यहाँ पे 4 है। ये दोस्त देखो इस ब्रैकेट से इसका कोई लेना देना नहीं, तो चाहो तो आप यहीं पर इसको डिवाइड कर सकते हो, मैं डिवाइड कर ही दे रहा हूँ, 4 से डिवाइड करूँगा 3 बचेगा, क्योंकि उससे बहुत लेना देना नहीं, बिल्कुल प्लस के द्वारा अलग हो गया है। अब 72 में से अगर 2 चला जाए तो यहाँ पे चला जाएगा 70 और यहाँ पे प्लस 3 और ऐड कर लेंगे दोस्त हो जाएगा 73, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको भी जल्दी में अगर मुझे सॉल्व करना हो कल के डेट में एग्जाम में आ गया तो कैसे जल्दी से बताएंगे, जरा थोड़ा गौर से करना। यहाँ पर देखना ये क्या हो जाएगा आपका, 18 में से 6 जाता 12, 12 में 4 से भाग दे लोगे आंसर यहाँ पर तो तुम 3 पा गए, क्योंकि प्लस के द्वारा अलग है, इसको आप अलग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आएंगे तो पहला हमारा काम मल्टीप्लाई 3 2 6 होगा, क्योंकि का को हम पहले करते हैं और 6 से भाग 12 में देंगे तो यहाँ तक क्या आ गया 2, और 72 में से 2 निकलता है तो दोस्त जानते हो आप 70 और इधर 3 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 73। समझ में आया? आइए वो क्वेश्चन देखते हैं जिसको कि देखने से आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। ठीक है, आइए, ये रहा वो क्वेश्चन दोस्तों जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इसको मैं 2 बार लिख लेता हूं। ठीक है, ये पांचवा हमारा आज का शायद क्वेश्चन रहा है, इसको 2 बार लिख लेता हूं, और 2 बार लिखने का क्या मतलब है ये भी बता देता हूं। जैसे छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसको सॉल्व करने वाले लोगों में 2 विचारधारा के लोग आ जाते हैं। कौन कौन लोग आ जाएंगे? एक लोग ये आ जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है भाई, मुझे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट ओपन करना होता है, तो कहते हैं 9 डिवाइड 3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 6 में से 3 जाता 3, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे 9 डिवाइड 9 और आंसर आ जाता है 1। ओके, और दूसरी विचारधारा के जब लोग आएंगे और दूसरे तरीके से जब लड़का सॉल्व करता है तो देखिए और क्या हो जाएगा, क्या आपको अचंभित करेगा, यहाँ पे वो कहेगा पहले हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ही तो है, अगर ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई से पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो डिवाइड अगर पहले करेगा तो कहेगा 3 कर लेगा, 3 यहाँ पे क्या कर लिया, 3 कर लिया वो, और इसके बाद यहाँ पे बच गया क्या आपका मल्टीप्लाई, 6 में से 3 जाता 3 और 3 3 जा क्या आ जाएगा दोस्त 9। देखिए 3 से डिवाइड कर लिया 3 और 6 में से 3 जाता 3, जब ये डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। अब प्रॉब्लम देखो ना, इसी का जवाब 1 1 आया है और 1 क्या आया दोस्त, 9 आ गया, सही कौन है, बात ये आ गई कि सही कौन है, प्रॉब्लम तो यही फंस गई ना कि इसमें सही कौन है, तो देखना दोस्त सही हमारा कौन है। ये बहुत पहले की बात हुआ करती थी, ये पहले का रूल हुआ करता था कि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे, लेकिन नई विचारधारा के अनुसार, इस समय के अनुसार और इस समय जो मैथमेटिशियन की राय है या इस समय जो आपको रूल पढ़ाए जा रहे हैं उन रूल के अनुसार आपका ये आंसर राइट होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड क्या करते हैं, पहले करते हैं, डिवाइड क्या करते हैं, पहले करते हैं, क्योंकि ये मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ही तो है, तो मल्टीप्लाई से पहले क्या आता है, डिवाइड, इसलिए डिवाइड पहले करेंगे उसके बाद जो बचेगा उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 9 सही होगा, इसका जवाब हमारा क्या सही होगा दोस्त, 9 सही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आज की बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बॉडमास के कुछ और क्वेश्चन लेकर के, वो फ्रैक्शन और डेसिमल के बॉडमास होंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन के बॉडमास हो गए, लेकिन नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडमास जो होगा वो आपका फ्रैक्शन और डेसिमल का होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।